थाना कस्बा के दिन दहाड़े एक युवक ने महिला के साथ मिलकर सराफा की दुकान से सोने के चैन ले उड़ा। घटना लगभग 1 बजे की है। दुकान के मालिक नरेंद्र कुमार की दुकान पर आए एक उन्होंने कई प्रकार की जादू देखी जिसमें उन्होंने बाली खरीदी और इसके बाद सोने की चैन दिखाने की बात कही जिस पर दुकानदार ने 8 सोने की चैन दिखाई। देखते समय महिला ने चैन अपने हाथ में मुट्ठी में दबा ली और बाकी की चैन वापस कर दी और कहने लगी पीछे मेरा घर है मम्मी से बात करती रहती हूँ। चैन का वजन लगभग 15 ग्राम था जिसकी कीमत 50,000 से ऊपर बताई गई है। महिला में युवक स्कॉर्पियो कार में आए थे। घटना को अंजाम देकर वह तुरंत फरार हो गए। सारा मामला पीड़ित सरफावा व्यापारी के दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित ने घटना की तहरीर गोला कोतवाली के क्षेत्र में मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में चेक कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। विनोद कुमार है मेरे भाई नरेंद्र कुमार की दुकान मोहम्मदी रोड पर स्थित है राधिका ज्वेलर्स के नाम से। उसमें एक आज औरत और एक आदमी ग्राहक बनकर आए थे। उन्होंने चैन खरीदने की बात कही। नरेंद्र ने उनको चैन दिखलाई, 8 चैन देखने को दी। उन्होंने उसमें से एक चैन चुरा ली और घटना को अंजाम देकर दुकान से फरार हो गए। क्या आपने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल अपनी भूमिका अदा करते हुए दुकान पे जो घटनास्थल था उसका निरीक्षण किया और हमारी FIR दर्ज करने का आदेश किया। आगे विवेचना उन्होंने काम करेंगे, जो आपकी मदद होगी वो करेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।